Hello children, I hope you all are fine and safe. Children, last time I had explained you a chapter 1 of Tum 2 book Healthy and Clean. तो लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर 1 समझाया था टर्म 2 बुक का हेल्दी एंड क्लीन, और मैंने असाइनमेंट में क्या दिया था आपको, न्यू वर्ड्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द असाइनमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन आंसर्स. नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. 1, द वे someone holds his or her body is called dash. Answer, posture. Number 2, a dash refreshes our body and mind. Answer, bath. 3, we must eat dash meals every day. Answer is 3. 4, our food must include green dash and fruits. Answer, vegetables. 5, the most common disease in the world is dash. Answer, tooth decay. 6, we should do dash daily. Answer is exercise. Question number 2, match the following. Number 1, toothpaste. 2, soap. 3, comb. 4, handkerchief. तो toothpaste को आप किससे match करेंगे? Brushing teeth, C से match करेंगे. Soap को किससे match करेंगे? D से match करेंगे, bathing. 3, comb. Comb को किससे match करेंगे? A से match करेंगे, hair. 4, handkerchief को किससे मैच करेंगे? B से मैच करेंगे, sneezing. Now, question answers. Question number 1, what is posture? The way someone holds his or her body is called posture. Question number 2, write 2 rules of cleanliness. आपको 2 रूल्स लिखने हैं खाली. आपको 4-5 रूल्स बताए थे, उसमें से आपको ओनली यू हैव टू राइट 2 रूल्स. नंबर 1, वी शुड वॉश आवर हैंड्स क्लीन बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. 2, वी शुड टेक अ बाथ डेली. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड वी डू टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी. आंसर, to keep ourselves fit and healthy, we should take regular exercise, take proper rest, eat proper food. So children, you have to copy this assignment in your EVS copy. तो बच्चों, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं. आपको सिलेबस भी बता दिया गया है. EVS का क्या सिलेबस है? चैप्टर वन, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. तो चैप्टर 1 कौन सा है? फंक्शंस ऑफ अ बॉडी पार्ट्स. चैप्टर 3, हेल्दी फूड हैबिट्स. एंड चैप्टर 4, टाइप्स ऑफ हाउसेस. तो आपको इन तीनों चैप्टर्स के असाइनमेंट याद करने हैं. और मैंने आपको, याद होगा, रिवीजन दिया था. रिवीजन 1 एंड 2, वो भी आपको याद करना है अच्छे से. एग्ज़ाम में आपका जो फॉर्मेट होगा, उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. तो 20 क्वेश्चंस होंगे. हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से 2 गलत ऑप्शन होंगे और 1 सही होगा. तो उसमें आपको सही वाले पे टिक करना है. बाकी आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो पेपर किस तरह से होंगे, एग्ज़ाम कैसे होंगे. तो बच्चों, अच्छे से अपने चैप्टर्स याद करिए तीनों, और रिविज़न याद करिए. Bye, children.